तो हम फिर से निकल चुके हैं दिल्ली से, इस बार जाएंगे प्रयागराज। प्लान कर गया 45 मिनट से फ्लाइट खड़ी है बस। पापा इतने में सो के उठ गए, बोल रहे हैं कि लैंड हो गया क्या फ्लाइट। गजब पापा, उठ जाओ पापा, अब उड़ेगी फ्लाइट तब लैंड होएगी। इतना ज्यादा ट्रैवल हो गया ना बीच में, क्या ही बताएं। सबका दिमाग हॉटस्पॉट हो रहा है। कल रात में आए 12 बजे, 12:30 बजे तक खाना पीना खाया, सोए, सुबह 7 बजे उठ के फिर निकल गए। अरे यार, तो 7 बजे उठा था? नहीं, हाँ मतलब वही 7 बजे 3 घंटे का फर्क है 7 और 10 में। अपनी फ्लाइट चल चुकी है उड़ने के लिए पहुंचे प्रयागराज, बहुत मजा आने वाला है। आज का दिन पूरा रेस्ट होगा, कल हमारा शो है और परसों दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद चुप कर, अब से घर बैठे हुए हैं भैया। उसके बाद दीदी पापा को दोबारा ट्रैवल करना है मुंबई, तो मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ पापा दी जाएंगे, बाकी तो आप व्लॉग में देखेंगे ही। आज मैंने मेकअप खरीदा है, मेकअप मैंने व्लॉग नहीं बनाया जिसके मेकअप की वजह से बहुत लेट हो गया, हम भाग भाग के पहुंचे गेट पे। व्लॉग बनाया था? नहीं, थोड़ा सा मैंने लिया था, मतलब ऐसे देखने। अरे मैंने बहुत सारा मेकअप खरीदा, ब्रांड मत दिखाओ, लो प्रमोशन, देखो ब्रांड मत देखो, लिपस्टिक है लिपस्टिक, ये दो चीज तो मुझे फ्री में दे दिया, पता नहीं क्यों दिया, लेकिन मेरे साथ फोटो खिंचवाया, फोटो खिंचवाने के बाद फ्री में दे दिया फाउंडेशन। मैं जिंदगी में पहली बार फाउंडेशन खरीद रही हूँ। बस बस, पापा अंकल के फोन में मूवी देख रहे हैं बिना आवाज के, क्या समझ आया पापा? यार कितने प्यारे होते हैं लोग, एयर हॉस्टेस पहचान लिया उन्होंने, वो हमारे गाने सुनती हैं, उन्होंने बताया कि रिपीट कर करके सुनती हैं, उन्होंने मुझे ये दिया है, क्या बात है। वीर बताओ दीदा को कैसे व्लॉग बनाते हो, व्लॉग का नेम बताओ। सामने, ट्रैवलिंग, सामने देखो, सामने हमारे बीच में एक ट्रैवलिंग व्लॉगर है, मिनी ट्रैवलिंग व्लॉगर, तो छोटा सा है, ये है वीरवर्धन सिंह, वीरवर्धन सिंह सबसे छोटे ब्लॉगर, आज हम नाश्ते में, ये है वरेण्य विक्रम सिंह, अरे वाह, ये भी व्लॉग बनाता है, ये भैया के साथ देते हैं, दोनों भाई व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाने मास्टर है। आज हम नाश्ते पे एक बड़ी स्पेशल, एक बड़ी खास जगह आए हैं, और पता चलता है कि यहाँ पे घर के सभी सदस्य हमारा व्लॉग भी देखते हैं, तो सोचा क्यों ना आप सभी को मिलवाएं, उन सभी से दीपक अंकल बताएंगे। आपसे बताऊँ, मैं दीपक त्रिपाठी, आज मैथिली बिटिया हम लोग परिवार में आई, बहुत बहुत स्वागत है। आप मिली अर्चना भाभी साहब प्रोफेसर हैं, और आप शिवानी दीदी हैं, ADM हैं यहाँ प्रशासन, और जिनके घर में आया हूँ अजीत विक्रम भैया, जो प्रयागराज बहुत विराट व्यक्तित्व हैं, उनके घर कुछ आज मैथिली कल इनवाइट किए हैं, खाना पीना खाए खूब जबरदस्त, और प्रयागराज कैसा लग रहा गुड़िया? बहुत सुंदर, मैं दूसरी बार प्रयागराज आई हूँ, पहली बार जब आई थी तो मैं काफी छोटी थी, तो काफी सारी चीजें याद नहीं है। हम लोग घूमे थे, घूमे थे संगम, घूमे थे और कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो इस बार रहने की बात है, 5 साल बाद में वापस प्रयागराज आई हूँ, और काफी बढ़िया लग रहा है आज के कार्यक्रम से, काफी उत्सुक हूँ कि क्या क्या होने वाला है। नाम बता रही है कि वो सबसे बड़ा फील्ड है, बहुत इलाहाबाद की शान है, सारे प्रोग्राम जनरली NCGHSC में बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, और मैथिली का आना तो अद्भुत है बिल्कुल। किसको खिला दे, दीदी को खिला दो, दीदी को खिला दो, दीदी को, ये दीदी को खिला दो, बहुत अच्छा लगता है मैथिली का गाना, परम्परागत चीजें बहुत पसंद है मुझे, और भगवान से यही है कि ये खूब आगे बढ़े, अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करे, बनी रहे सब लोग के बीच। Making it with a one place, counting birds on the tree. ये जो घर है, ये घर भी 200 साल पुराना घर है, और अंग्रेज इसमें रहा करते थे उस समय, फिर उन लोगों ने ये घर दे दिया यहाँ के लोकल लोगों को, और इनसे इन्होंने लिया, तो आपको लग रहा होगा ये घर देख के 200 साल पुराना, विंटेज घर।
साड़ी पहनने वाली मैच मैच हो गया कोई सी रख ली। अब हम लोग चलते हैं वापस होटल। मिली अंकल से जिनके हम आए थे, इन्हें क्या आकर के इन्होंने बड़ा बढ़िया सब लोग अजीत भैया प्रयागराज विराट व्यक्ति हैं, आपने सेवा के लिए जाने जाते हैं, हम वरिष्ठ अधिकारी हैं। और आज मुझे सुहारी खाने को मिला, आलू की सब्जी खाने को मिला, जलेबी, ढोकला, धनिया पत्ता की चटनी, गुड़, घी और धनिया की पत्ती, हाँ सब कुछ घर का यहाँ पे मिला खाने को, तो बड़ा मजा आया। एक बार दोनों बच्चे हाय बोलेंगे। बाय हम लोगों के लिए तो सौभाग्य की बात है कि जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, भारत के शीर्ष जय श्री राम। पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए मैथिली ने जो काम किया उसकी जितनी सराहना किया जाए, आप सभी की सराहना जितनी की जाए कम नहीं, बिल्कुल। और हम लोग बहुत बहुत आज गौरवान्वित, सबसे बड़ी बात अंकल ने इतने अच्छे संस्कार बच्चों में दिए और इतना अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो, ये हमेशा ऐसे ही रहना, ऐसे ही हम लोग को दिखना, ऐसी ऊंचाई पे जाना, बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत बहुत हमारे संस्कार हमारे मम्मी पापा ही जानते हैं, हम लोग घर पे कैसे वो सबके घर पे सब लोग मम्मी पापा जानते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटा। बाकी चने का साग खाते हो? ये पुरानी परंपरा है, ये चने का साग ये बहुत आयरन और बहुत अच्छी चीजों से भरा होता है। इसका मतलब पानी में धोकर नहीं, ये बिल्कुल सब कुछ ऐसे साफ होता है, नेचुरल टेस्ट होता है इसका, सिर्फ उसके साथ आप ऐसे चटनी में डिप करके ऐसे लगाते हैं। टीवी में से थोड़ा सा बड़ा पना आता है कि हम सब यही बोलते हैं, मैं सामने से जब कोई मुझे देखता है ना तो या तो जैसे पॉइंट पर जाते हैं या तो नहीं ये आंटी ये बहुत बड़ी तारीफ है कि आप जो है तब तो बढ़िया है। काफी लोग ऐसा होता है कि अरे तुम ही हो मैथिली ठाकुर, अरे हम तो सोचे थे कोई हत्थी कट्टी सी होगी। अच्छा ये भी अगर ट्रेन में सफर ऊपर करते हो तो लोग पहचानते रहते होंगे कि हाँ यार मैंने तो थोड़ा मोटा मोटा देखा है। मोस्टली समय के अभाव की वजह से कैमरा दिखाता है, फ्लाइट से आना जाना जब भी होता है तो वहाँ पे देश के बाहर के भी हमारे देशवासी होते हैं बहुत सारे, तो वो लोग भी एक बार दिखाइएगा आपने शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा है, क्योंकि हमने पहली बार देखा शॉर्ट हैंड में। तो दीदी जो जो बोलती जा रही थी एकदम स्पीड में भैया लिखते जा रहे थे, मैं वही देख रहा था जल्दी लिख कैसे रहेंगे, फिर देखा ये तो कुछ अलग ही लिपि है। अच्छा ये पूछे बैठली क्या समझ में आ रहा है आपको? आप इधर पढ़ के बताइए तो आपने क्या लिखा है, बताइए नहीं पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है, आप बताइए सर। ये जो आपने वो बताया था ना कि पुरस्कार जो आपको मिला था उसके संदर्भ में है, दूसरा जो आपने एक और बताया था उसके संदर्भ में है, पाँच छः साल में से जो आपने सीखा था बिस्मिल्लाह वाला जो उसके संदर्भ में था, और आपके जो पिताजी जो अभी गायकी वगैरह जो बता रहे थे गुरु के संदर्भ में उसके लिए सब के लिए संदर्भ में है ये सारे लाइन पढ़ सकते भाषा क्या लिखी बस आप याद कर लें। नहीं सेंटेंस पकड़ के सीखा जाता है, जैसे सर ने पूछा था कि अगर आप मतलब गायकी ना करती तो क्या होता है, अगर मैं गायकी ना करती तो हमारे पिताजी की बहुत सपना था कि मैं एक IAS बनूं, और हो सकता है कि मेरा भाग साथ देता तो मैं आज भविष्य में IAS होती। इसकी किताब इतनी बड़ी आती है। अच्छा ये बड़ी किताब होती है, ये मुझे भी कभी समझ में नहीं आया, कभी नहीं आया ये शॉर्ट हैंड क्या है क्या नहीं है,
बिहार से सुश्री मैथिली ठाकुर हम लोगों के बीच आ गई हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक केंद्र में। आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन का हमारा जो सनातन संस्कार है उसको संपादित किया जा चुका है सुश्री मैथिली ठाकुर जो कि देश की बहुत लाडली और सर्वप्रिय गायिका के रूप में तेजी से उभरती हुई आज के तीर्थराज प्रयाग के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण को भी ये अवसर मिला है। आप यहाँ आकर पधारी आपका शुभ स्वागतम, मेरे पौधे और लताएं कर रही हैं स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम। चुके हैं राष्ट्रीय शिल्प मेला में और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस साल का राष्ट्रीय शिल्प मेला उसका उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत बहुत समय से ये शिल्प मेला आयोजन हो रहा है, इसका 29 साल हो गए लगातार, हर साल 1 से लेकर 12 दिसंबर तक 12 दिन का ये मेला आयोजित होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र के छोटे छोटे जो बुनकर होते हैं, कलाकार होते हैं, जो भी यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, सब चीज़ का इधर मेला लगता है और लोग खरीदने आते हैं। काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है जिसमें बड़े बड़े कलाकार आके परफॉर्म करते हैं। इस साल मुझे भी अवसर मिला है यहाँ आकर के प्रस्तुति देने का, तो बस 1 घंटे में मेरी प्रस्तुति है। इससे पहले मैं ऑफिस के अंदर बैठी हुई हूँ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके ऑफिस में और बस काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अभी सारा सेटअप लग रहा है हमारा, जैसे लग जाएगा ये 5-10 मिनट में दीदी परफॉर्मेंस देगी। सुकून पहुंचाने वाली आवाज जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, तो बजाइए तालियां, बुला ही लेते हैं अब सुश्री मैथिली ठाकुर को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के राष्ट्रीय शिल्प मेले की पहली शाम तीर्थराज प्रयाग की ओर से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की इस प्रांगण में सुश्री मैथिली ठाकुर का खुले हृदय से अभिनंदन है। बोल गंगा मैया की, बोल प्रयागराज धाम की। प्रयागराज की पावन धरती पे मैथिली ठाकुर तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन। जितने में लोग गा रहे थे सभी यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं। Thank you.
इधर देखो सुंदर सब ब्लॉग में बोल दीजिए तो फाइनली आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। बहुत ज्यादा ही मजा आ गया आज तो, एकदम प्रयागराज की जनता के सामने परफॉर्म करके इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे वो सब, और उनको एंजॉय करते देख हमें अलग एकदम ऊर्जा मिल रही थी और अच्छे से हम परफॉर्म कर रहे थे। और दीदी तो तुरंत चली गई और मुझे हारमोनियम पैक करने में थोड़ा समय लग गया, तो बाकी लोगों ने मुझे घेर लिया बिल्कुल। तो सबके साथ फोटो वोटो खिंचाए तो इतना मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बिहार के लोग जो थे, अपने मिथिलांचल के लोग, वो तो अलग फॉर्म में थे एकदम। तो अभी जल्दी से खाना पीना खाते हैं और कल का हमारा फ्लाइट है दिल्ली जाने का 2 बजे का। तो कल हमारा ऐसा प्लान बनाया है कि हम प्रयागराज आएँ और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम कल सुबह जल्दी एकदम उठ के जाएंगे दर्शन करने के लिए, आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे अपने ब्लॉग के जरिए। तो आप प्लीज़ कल का ब्लॉग भी देखिएगा ज़रूर। और कल पहुँचते दिल्ली, उसके बाद दीदी मुंबई निकलेगी, उसके बाद जश्न रेखता में कार्यक्रम है और भी काफ़ी कुछ है, आपको सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अपना खाना पीना आ चुका है, जल्दी से खाते हैं, सोते हैं, कल फिर घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। अच्छा हाँ, अगर व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा व्लॉग तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। जनता के द्वारा कुछ गिफ्ट्स भी मिले हमें तो उन्हें अनबॉक्स करके देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले ये रहा हमारे पास कुछ मैगजीन है हमारे कोकिल कवि विद्यापति जी का, और बाकी गिफ्ट्स भी दीदी के लिए। तो दीदी आइए अपने कर कमलों से कृपया गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करें और बाकी लोगों को भी दिखाएं कि आपको क्या क्या मिला है। सबसे पहले ये है क्या, तो थोड़ा रूम ना थोड़ा मैसी है तो उसको इग्नोर करिएगा, बस गिफ्ट पे ध्यान दीजिएगा। बहुत मैसी है, इधर आओ तो इधर आओ। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। एक शानदार सी डायरी, ये नाइस। एक और शानदार सी डायरी, वाह दीदी को डायरी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब जहाँ दिखता है ना इसका स्टोर में जाती है कि कहीं। ये तो बहुत ही सुंदर है, छोटा सा स्पाइरल, नाइस। तो इसमें और भी कुछ कुछ है वो भी देखते हैं क्या क्या है। चॉकलेट इयररिंग्स ना, मैं बोल रही थी कोई ऐसे इंसान लाए जिन्होंने मतलब हमारे सारे व्लॉग्स वगैरह देखे हो ना,
किसी को मालूम नहीं होगा कि मुझे झुमके से कितना ज्यादा ऑब्सेशन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।